हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु ग्रह आखिर है क्या, आपके ऊपर राहु का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस आपने देखे हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि राहु कुंडली के पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, अपने क्या फल देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और गहराई से हम राहु को समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ऐसी बात लेते हैं जिस पर एक बहुत बड़ा मतभेद बना हुआ है। राहु एक छाया ग्रह है जो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या राहु की खुद की कोई राशि होती है? तो दोस्तों जी हाँ, कई प्राचीन विद्वानों का मानना यह भी रहा है कि राहु की भी खुद की राशियां होती है। हालांकि फिर से कहूंगा, इस पर मतभेद है, लेकिन फिर भी राहु की खुद की राशि होती है, ऐसा कई प्राचीन विद्वानों द्वारा मान्यता है। कौन सी राशि होती है वो मैं आपको बता देता हूं। 6 नंबर या फिर कन्या राशि, जिसे वर्गो भी कहा जाता है, ये राहु की खुद की राशि है, राहु की स्व राशि है, राहु इसे खुद की राशि मानता है। और यदि कुंडली में आप कहीं भी 6 नंबर या फिर कन्या राशि देखें तो आप इसे समझ जाएं कि ये बुध की राशि तो है ही, 6 नंबर या कन्या राशि ऑलरेडी बुध की राशि है, लेकिन राहु भी इसे स्व राशि मानता है और ऐसे फल देता है। यदि 6 नंबर के साथ बैठे तो ऐसे फल देता है जैसे कि वो खुद का ही राहु का घर हो, राहु की खुद की ही राशि हो। तो 6 नंबर या कन्या राशि को कई विद्वानों द्वारा राहु की राशि भी माना जाता है बुध के साथ साथ। अब दोस्तों, यदि राहु की राशि यदि ना भी माने 6 नंबर या कन्या राशि को, तो भी राहु 6 नंबर या कन्या राशि के साथ अपने बहुत अच्छे फल देता है, तो बिल्कुल हम मान सकते हैं कि राहु की जो राशि है वह 6 नंबर या कन्या राशि है बुध के साथ साथ, क्योंकि बुध की भी ऑलरेडी 6 नंबर या कन्या राशि है जिसमें बुध उच्च के होते हैं। अब राहु उच्च के और नीच के, इसमें भी एक मतभेद बना हुआ है। दोस्तों, कई विद्वानों का मानना यह है कि 2 नंबर या वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं, कई विद्वानों का मानना यह है कि 3 नंबर या फिर मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं। हालांकि 2 नंबर या 3 नंबर दोनों में राहु बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने बहुत उत्कृष्ट फल देते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि वृषभ राशि या 3 नंबर जिसे मिथुन राशि भी कहा जाता है, इसमें राहु उच्च के माने जाते हैं। और नीच के राहु किस राशियों में माने जाते हैं? दोस्तों, कई विद्वानों का मानना है 8 नंबर या वृश्चिक राशि में राहु नीच के माने जाते हैं, और 9 नंबर या फिर धनु राशि में भी राहु नीच के माने जाते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, 8 नंबर में भी राहु बहुत खराब फल अपने जातक को देते हैं और 9 नंबर में भी बहुत खराब फल जातक को देते हैं। तो 8 नंबर और 9 नंबर, 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, 9 नंबर यानी धनु राशि सजिटेरियस, इसे राहु की नीच राशि माना जाता है। तो दोस्तों, एक चीज आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होगी, राहु की स्व राशि और राहु की उच्च और नीच की राशियां। अब दोस्तों, राहु एक पाप ग्रह है, सब जानते हैं, राहु एक छाया ग्रह है, सब जानते हैं, लेकिन क्या राहु से इतना डरने की जरूरत है जितना आपको डरा दिया जाता है? दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है, राहु से आपको इतना डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, कि यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कहीं अच्छी है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, यदि खराब है तो आपको खराब फल मिलेंगे। इसे हम सेम अदर दूसरे ग्रह हैं उनसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि दूसरे ग्रह जैसे अति शुभ ग्रह की बात करते हैं, जैसे पाप ग्रह राहु की बात कर रहे हैं, तो हम एक अति शुभ ग्रह गुरु को ले लेते हैं। गुरु की स्थिति यदि कुंडली में कहीं बहुत अच्छी है तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे, यदि कुंडली में गुरु की स्थिति कहीं खराब है तो आपको खराब फल मिलेंगे। सेम ऐसा ही राहु के साथ है कि राहु की स्थिति अच्छी हो तो अच्छे फल, राहु की स्थिति खराब हो तो खराब फल। तो बिल्कुल राहु के नाम से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। एक चीज जरूर है कि राहु का अपना स्वभाव है, गुरु का अपना स्वभाव है, राहु का अपना एक रास्ता है, गुरु का अपना एक रास्ता है। राहु एक अलग रास्ते पर चल के आपको सफलता दिलवाएगा, गुरु एक अलग रास्ते पर आपको सफलता दिलवाएगा, जिसमें चीजें हो सकती है कि राहु खराब रास्ते पर चले, गुरु अच्छे रास्ते पर चलवाए, ये चीजें जरूर हो सकती है, लेकिन आपको राहु से डरने की जरूरत है? आपको सफलता ही नहीं मिलेगी, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके जीवन में नेगेटिविटी आएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि राहु की स्थिति अच्छी है तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा सफलताएं होंगी, 100% होंगी, ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। हाँ, राहु की स्थिति खराब है तो दूसरे ग्रहों की भांति आपके साथ राहु भी वैसे ही फल करेगा, अपने खराब ही फल देगा। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल लें कि राहु एक पाप ग्रह है, तो चाहे वो कैसे भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, उस घर को खराब करना, राहु का काम खराब करना नहीं है, राहु का काम अच्छा करना भी है।
तो दूसरे ग्रहों की बात ही, राहु भी अपने अच्छे फल देते हैं और राहु भी अपने खराब फल देते हैं। ये देखना आपको जरूरी है कि कुंडली में वो कैसे बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, अच्छे फल दे सकते हैं या खराब फल दे सकते हैं। अब आपको यदि ये जानना है कि कहाँ कहाँ अच्छे फल और कहाँ कहाँ खराब फल मिलते हैं, तो पिछला जो मेरा राहू का सीरीज बना हुआ है, पहले भाव से लेकर के 12वें भाव का, उसमें जाकर के आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं, भली भांति देख सकते हैं। अब दोस्तों, राहु पाप ग्रह है तो राहु किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं यह मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, राहु जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मादक पदार्थों को, नशीली वस्तुओं को, जैसे जैसे कि शराब हो गया, शराब, गांजा, गांजे के साथ साथ सिगरेट या तंबाकू या बीड़ी, ये जो इस तरह की नशीली चीजें हैं ना, जिन्हें मादक चीजें भी कहा जाता है, इन चीजों को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ जुआ, सट्टा, चोरी, वेश्यावृत्ति, जो भी कानूनी नजर में जो चीज खराब है, उन सारी चीजों को, धोखेबाजी, जालसाजी, चालबाजी, इन सब चीजों को राहु यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि कुंडली में कहीं राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो अधिकतर ये देखा गया है कि व्यक्ति या तो शराब के कारोबार में बहुत उन्नति कर लेगा, या फिर इस तरह के जो कानून से जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, उन तरह के कारोबारों में, जैसे कि जुए में बहुत ज़्यादा उन्नति करता है, बहुत पैसा कमाता है। साथ ही साथ गांजा या फिर इस तरह के जो गैर कानूनी काम होते हैं, वेश्यावृत्ति का काम, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करता है। तो इस तरह के यदि राहु की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी होती, तो व्यक्ति इन कामों में, धोखाधड़ी से पैसा कमाना, चोरी से पैसा कमाना, गुंडागर्दी से पैसा कमाना, अपना नाम गुंडागर्दी में बहुत आगे रखना, इस तरह से राहु की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी होती है, तो व्यक्ति इस तरह से कार्य करके पैसा कमाते हैं। वही बात आ गई दोस्तों, मैंने जैसे पहले कहा था कि राहु का अपना एक रास्ता है सफलता दिलवाने का, गुरु का अपना एक रास्ता है। गुरु की यदि बात करें तो गुरु एक धर्म के पथ पर आपको आगे ले जाएगा, एक सज्जनता के पथ पर आगे ले जाएगा, और वो आपको फेम भी दिलवाएगा, और वो आपको नाम भी दिलवाएगा, और सफलता भी दिलवाएगा। लेकिन राहु का ये जो रास्ता है ना, ये पथ, जो पथ है, ये थोड़ा सा खराब पथ है। लेकिन ये बात नहीं है कि आपको राहु से डरने की जरूरत है। आपका यदि राहु अच्छा है, तो जरूर दूसरों को आपसे डरने की जरूरत हो सकती है। दोस्तों, बात को समझिए, आपका यदि कुंडली में कहीं राहु अच्छा है, तो आपको राहु से डरने की जरूरत नहीं है, दूसरों को आपसे डरने की जरूरत हो, ऐसा जरूर हो सकता है। जैसे कि राहु किसी की कुंडली में अच्छा है, तो चोर हो जाएगा, वो गुंडा हो जाएगा, वो इस तरह के वेश्यावृत्ति के काम करेगा, वो इस तरह के गैर कानूनी काम करेगा, तो दूसरों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दूसरों को जरूर उस व्यक्ति से डरने की जरूरत है जिसकी कुंडली में राहु अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वो राहु का कार्य कोई कर रहा है। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। दोस्तों, राहु जो है वो राजनीति को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि राजनीति में कहीं किसी को आगे बढ़ना होता है, मेरे पास कहीं बड़े बड़े राजनेताओं के फोन कॉल्स आते हैं, और वो मुझे कहते हैं कि क्या ये जो इलेक्शन आ रहा है, इसे हम जीत पाएंगे, या फिर हमारी उन्नति कितनी है, अभी हम इस पद तक पहुंच चुके हैं, आगे हमारी उन्नति कितनी है। तो मैं उनकी कुंडली में राहु की स्थिति भी देखता हूं। अब राहु की स्थिति यहां पर क्यों, दोस्तों देखिए, जो राजनीति है ना, वो चालबाजी का नाम है। चालबाजी यदि किसी व्यक्ति में है, तो ही वो राजनीति में रह सकता है, ये हर कोई जानता है। कूटनीति, चालबाजी, कभी कभी धोखेबाजी भी। अब मैं आज की राजनीति पे कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, ये कौरवों पांडवों के समय से चलता आ रहा है, आज भी चलता है, और कल भी चलता रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो राजनीति का नाम ही चालबाजी है, धोखेबाजी है, और साथ ही साथ कूटनीति भी है। धोखेबाजी जरूर से ना करें, लेकिन कूटनीति और चालबाजी तो बिल्कुल हर कोई करता ही है। आप 1000 में से एक आधा नाम मुझे गिना सकते हैं कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा इंसान है राजनीति में, लेकिन वो एक अपवाद है। अधिकतर जितने आप देखें, 99.9% जो लोग होते हैं, उनमें चालबाजी या कूटनीति या डिप्लोमेसी जरूर होती है, तभी वो इस फील्ड में आगे बढ़ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सीधा साधा है ना, तो राजनीति में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएगा। राजनीति में जाने के लिए आपको चालबाजी की जरूरत लगेगी, आपको कूटनीति की जरूरत लगेगी, आपको डिप्लोमेटिक होने की जरूरत लगेगी। आपको ये पता होना है कि आपको कब कहां किस तरह से मोड़ लेना है, और किस तरह से अपनी बातें बनाना है। तो ये जो चीजें आती है ना, ये भी राहु की वजह से आती है। इस तरह थोड़ा झूठ बोलना, झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति आती है, राहु की वजह से आती है। तो राजनीति में इन सब चीजों की बहुत जरूरत होती है। हालांकि सिर्फ इन चीजों की जरूरत नहीं होती, व्यक्ति न्यायप्रिय कितना है इसे भी देखा जाता है, व्यक्ति का तेज, व्यक्ति की ग्लोरी, व्यक्ति का फेम कितना है, यह भी देखा जाता है, जो कि सूर्य और शनि की स्थिति से होता है। लेकिन राहु की स्थिति व्यक्ति को कूटनीतिक और राजनीतिक और साथ ही साथ
चालबाजी में ज्यादा शातिर बनाती है, जिससे वो और ज्यादा आगे बढ़ता चला जाता है। दोस्तों राहु इसी तरह से जातक को अपने बहुत अच्छे फल भी दे सकते हैं और ख़राब फल भी दे सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि कोई और ग्रह भी हो तो वो भी कुंडली में अच्छे बैठे हो तो अपने अच्छे फल देंगे, ख़राब बैठे हो तो ख़राब फल देंगे। वही थ्योरी यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है कि राहु भी यदि अच्छे बैठे होंगे तो अच्छे फल देंगे, ख़राब बैठे होंगे तो ख़राब फल देंगे। एक बात फिर से दोहरा दूँ कि राहु का रास्ता ज़रूर ख़राब है, तो उस रास्ते पर चल के राहु अपने अच्छे फल देंगे जातक को, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यदि आप राहु से डर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। फिर से वही बात दोहराऊंगा कि राहु यदि आपकी कुंडली में अच्छे तो दूसरों को जरूर आपसे डरने की जरूरत है। तो दोस्तों राहु के नाम से जितना डराया जाता है, जितना परेशान किया जाता है, उतने डरने की, उतने परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दूसरे ही ग्रहों की बात ही, ये भी आपको सफलताएं भी देते हैं और असफलताएं भी देते हैं यदि कुंडली में अच्छे हैं और यदि बुरे हैं तो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने राहु ग्रह के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास किया, थोड़ा सा गहराई से यहाँ पर जानने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।